भाई हो गए तेरे 15 मिनट, एक घंटा लगा दिया भाई तूने। आपको मिलाता हूँ किनसे, मतलब किन यूट्यूबर से हमारा मीटअप है। फिलहाल अभी कार्ड गोदाम से हम लोग निकल चुके हैं, अभी सीधे हम लोग जा रहे हैं गेमर फ्रीड भैया के वहाँ। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। तो यार लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि यार मैं रेगुलर रहूंगा यूट्यूब में, क्योंकि यार बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिसका मैंने मतलब अपना आपको संभाल लिया है। तो मैंने कहा था मैं अब यूट्यूब में मतलब रेगुलर रहूंगा, मतलब रेगुलर वीडियोस अपलोड करूंगा। और क्योंकि बहुत लोग भी कह रहे थे यूट्यूब में कमेंट्स में कि आप रेगुलर व्लॉग करो जैसे पहले करते थे, तो चलो फिर हम रेगुलर व्लॉग करेंगे। इसलिए मैंने कल व्लॉग करा था, आज ही व्लॉग कर रहे हैं। तो कल भी व्लॉग आया, मतलब आज व्लॉग तो आया, कल भी व्लॉग आएगा। और आज मम्मी भी आ चुकी है सुबह। मम्मी मैंने बताया था ना पहाड़ गई थी 4-5 दिनों से, तो मम्मी भी आज आ चुकी है घर पे। मम्मी सुबह आ गई थी, इतना ठंडा हो रहा ना पहाड़ में, रजाई उड़ी मैंने वहां पर, बहुत ज्यादा लग गया मेरे को, मेरा स्वेटर नहीं लगी थी, जगह तो खराब हो गई मेरी, अल्मोड़ा मनिया में, गाँव में। हमारा जो गांव है ना, जो मेन वाला गांव हमारा अल्मोड़ा मनिया, वहाँ बहुत ही ज्यादा ठंडा हो रहा है। रात के टाइम पे तो वहाँ तो चादर ओढ़नी पड़ रही है, मम्मी बता रही है वहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। तो रजाई थोड़ी रजाई ओढ़ी मैंने, सुबह रजाई ओढ़ी और सुबह शाम ठंडा हो रहा, दिन में थोड़ा पंखा खोलना पड़ रहा है। यहाँ बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ तो बहुत हद से ज्यादा गर्मी हो रही है। और यार जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि हमारा मीटअप होने वाला था आज, पर वो मीटअप कल होगा, कल मतलब कि आज। तो आज हम लोग दो यूट्यूबर से मिलने वाले हैं, जो कि मैं नाम तो आप लोगों को अभी नहीं बताने वाला, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा, आपको सीधे दिखाएंगे कौन यूट्यूबर है। और मेरे साथ अभी जाने वाला आयुष, मैंने आयुष को कॉल करके बोल दिया कि तू ब्लॉग पे आ जा, तो मैं उसको वहां से पिकअप कर लूंगा। फिलहाल गाड़ी तो मैंने बाहर निकाल दी पहले से, तो बिना देरी करे निकलते हैं यहाँ से। और आज के व्लॉग में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, और बहुत ही मतलब आप लोग को, मतलब आपने पता उन लोगों के व्लॉग देखे होंगे, मतलब एक के तो पक्का देखे होंगे देखेंगे। सो गाइस अपना हेलमेट रेडी है, चलो चल रहा हूँ मैं। कॉल भी आ गया यार, होटल पे आ गया, आ गया मैं, आ गया थोड़ी देर में आ गया बस। सर अभी कॉल तो आया था विशाल का, मैं बताता हूँ क्या एक यूट्यूबर का नाम तो बताता हूँ, विशु जाइंट व्लॉग्स, जो पहले भी हमारे व्लॉग में आया था, जो भाई बरेली से आया था हमसे मिलने के लिए, तो वो भाई का कॉल आया था अभी। सर 6:40 होने को है, और आयुष का भी अभी कॉल आया, वो कह रहा है कि मैं अभी निकल रहा हूँ। यार बड़ा देर कर दिया यार इसने, मैंने मतलब पहले ही बोल दिया था कि भाई निकल जाना, वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। और अभी फिलहाल यहाँ पे वेट कर रहा हूँ आयुष का ब्लॉक पे, मैंने उसको बोला था कि यार 15 मिनट पहले आ जाना, और यार अभी तक नहीं आए, पता नहीं अभी कितना देर करेगा, क्योंकि इसका घर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है ना। फिलहाल अभी आयुष को कॉल किया, आयुष बोल रहा है कि मैं फतेहपुर को पहुँच गया हूँ, अब यहाँ 5 मिनट लगेंगे उसको पहुँचने में। हद कर दिया यार इसने, आधा घंटा रुका दिया, अभी तक नहीं आ रखा है, इतनी देर के बाद अब आ रहे यार। मतलब 15 मिनट बोला था इसने और एक घंटा लगा दिया मुझे घर में, 15 मिनट बोला। भाई हो गए तेरे 15 मिनट, एक घंटा लगा दिया भाई तूने, मुझे फोन पे फोन आ रहे हो यार, टाइम से आएगा ना, जब तूने बोला भयंकर 15 मिनट में आ रहा हूँ तो 15 मिनट आएगा, वरना मुझे तो देर होती, मैं तो जाता ना। फिलहाल यार ये तो आ गया, अब निकलते हैं जल्दी से काट उदाम के लिए, क्योंकि यार बहुत ज्यादा लेट होगी, पापा के वैसे ही बहुत पे कॉल आ गए यार, शॉर्टकट से जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मेन से तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होगा और फंस जाएंगे मेन से। सर रात के 7:16 हो चुके हैं और अभी तक यार हम लोग होटल में नहीं पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग काट उदाम में, और यहाँ ऐसी आधी चल रही है यार, आंखों में भयंकर धूल करकट जाने में लगे भयंकर। अरे भाई बिन देखे काट रहा, लोग भी ना आजकल गाड़ी आंख बंद करके चलाते हैं भाई, आंखों में कूड़ा करकट ऐसा हो गया ना यार, मन तो कर रहा है भयंकर पूरा नोच दूँ आंखों को, अभी जाते सबसे पहले मुंह धोऊंगा यार। एक तो क्या है ना यार धूल बहुत हो रही है यार, धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो यार फाइनली हम लोग होटल में पहुंच चुके हैं, चला जा गाड़ी को यहीं पर लगा दिया थोड़ी देर के लिए हमने। हेलो भाई क्या हाल है, बढ़िया यार, और भाई कैसे हो, कैसे हो, बढ़िया भैया, कब आए, आओ बैठो यार, अरे बैठो यार, अरे हम मैं तो कब के आया था, इसने एक घंटा रुका दिया मुझे, मतलब कि आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। तो यार गाइज मैं कल के ब्लॉग में भी कहा कि यार दो यूट्यूबर्स के साथ मीटअप है, जो कि आज नहीं हो पाया कल व्लॉग होगा, मतलब जैसे कि आज हो गया मीटअप, तो आपको मिलाता हूँ किन से मतलब किन यूट्यूबर से हमारा मीटअप है। पहले तो यार ये भाई है विशु जाइंट व्लॉग, जिनके जो मैंने पहली बार रखे हैं ब्लॉग में, पहले भी आपने देखा होगा, पर मैंने मैंने जब ये जा रहे थे मैंने बोला था कि अब मैं आऊँगा बरेली, पर यही आ गए। और यार अब दूसरे जो यूट्यूबर है ना, अब उनसे मिलाता हूँ आपको, वो है यार सचिन भाई। सचिन भाई कैसे हो यार, सचिन प्रजापति। तो यार इनका भी चैनल है यूट्यूब में सचिन क्रेजी व्लॉग्स करके, तो भाई बहुत ही ज्यादा जरूरत है मुझे सब्सक्राइबर की, करके जाना। तो भाई यार देखो अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग हरिद्वानी आए थे और कल भी आए थे, दीपक भाई मिले नहीं, क्यों नहीं मिले पता नहीं, कहाँ बिजी रहते हैं हम तो वेट नहीं नहीं। अरे मैं आया था, मैं रुका था यहाँ पे, फिर मेरा ट्यूशन भी था ना कल, ट्यूशन मेरा ट्यूशन भी था, ट्यूशन भी करना होता है यार, भी जरूरी है क्योंकि मेरा भी बीकॉम फर्स्ट ईयर ही है ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर मेरा, अभी पिछले साल 12th पास किया मैंने, मेहनत भी कर रहे हैं पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ साथ व्लॉगिंग भी कर रहे हैं, लाइक करके जाना, मतलब अभी नाश्ता वगैरह कर रहे हैं, देखो
मास्क लगा हुआ है और अभी कुछ मतलब कि दीपक भाई तो जस्ट आए हैं हमको कल लगभग एक घंटा हो गया ना एक घंटा हो गया एक घंटा हो गया आपको मैंने पापा के साथ फोटो डाली व्हाट्सएप में स्टेटस मैंने इनके पापा ने फोटो डाली खींची ना इनके साथ तो मतलब यार मुझे लोगों को मैसेज आ रहे अरे इनके ब्लॉग तो मैं भी देखता हूँ मुझे मिला देना भैया ना अरे भाई मैं मिलवा दूंगा एक धैर्य करके है ना मैं इधर भाई लोग देखते हैं मेरे सब्सक्राइबर है इधर आप भी बन जाओ यार अरे बहुत सही यार तो है ना आप लोग मैं कमेंट करके भाई कमेंट जरूर करना कि कौन कौन मुझे जानता है हाँ, कमेंट करके पक्का बताना कि यार कौन कौन सचिन भाई को जानता है प्लीज यार एक बार पेपर खत्म हो जाए फिर हम लोग साथ में घूमेंगे जहाँ भी जाएंगे दूर दूर अभी थोड़ी देर तक हमने सचिन भाई से और विशु भाई से बात करी अच्छे से और अभी हमारा प्लान बनने वाला है गेमर फीट भैया के वहाँ जाने का क्योंकि यार ये दोनों भाई बहुत दूर से आ रखे हैं मतलब कम से कम आप तो 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर और विशु मेरा तो अभी 55 बाइक राइडिंग करके वो भी बाइक से बताओ यार तो यार गेमर फीट वैसे ही मिला लेते हैं और भी जो भी यूट्यूबर्स हैं वो देखेंगे अगर मिल पाएंगे तो नहीं मिल पाएंगे मतलब कोशिश पूरी करेंगे मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई को मिलवाने की कि मतलब भाई मिल जाए श्लोक तो टैग बर्नर है बताओ यार सचिन भाई का श्लोक बता रहा तू फिलहाल अभी काठगोदाम से हम लोग निकल चुके हैं अभी सीधे हम लोग जा रहे हैं गेमर फीट भैया के वहाँ मैं रास्ता नहीं दिखाऊंगा गेमर फीट भैया का वैसे ही आजकल बहुत लीक हो गया भैया का घर ओ भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना तो गेमर फीट भैया से पूछ के करेंगे अगर उन्होंने बोला नहीं वीडियो मत बनाओ यार ये हो तो हम नहीं बनाएंगे वीडियो हम तो खाली बस जस्ट मिलने जा रहे हैं तो फिलहाल अभी भैया के वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं पर दुकान तो यहाँ आज बंद कर दी भैया ने जल्दी घर तो यह है सचिन भाई देख लो ये तो घर है तो फिलहाल अभी हम लोगों ने अंशु भाई से तो मिल लिया व्लॉग व्लॉग नहीं किया जैसा कि मैंने आपको बताया था ना परमिशन लेके व्लॉग करेंगे तो भाई की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो हमने फ़ोटोज़ खींच ली बस तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं हमारी अंशु भाई के साथ ये रही यार अंशु भाई तो वैसे आदत के तो बड़े अच्छे हैं काफ़ी भाई साहब राजगढ़ डैम में ऐसी गाड़ी चलाने में जो मज़ा आता है ना यार बस ये पे एक हेलमेट अच्छा खासा होता है भाई तेज नहीं चलानी कौन चला रहा तेज पागल हो गया भाई तेज में चलाना बता रहा हूँ बाहर खाओगे तेज में चलाना तेज चलाना गलत बात होती है चलो भाई अपनी प्यारी सी स्वीट कॉलोनी में हम लोग पहुँच चुके हैं सर अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं सब लोग घर पे और यार मैंने चेंज कर लिया अच्छे से और अभी सब हम सब भात बैठ दो के आराम से सब लोग ये बैठे हुए हैं और मम्मी ने यहाँ पे खाना भी लगा दिया सबके लिए तो फिलहाल अभी हम लोग खाना खाना खाते हैं उसके बाद देखते हैं थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे सो भैया मज़ा आ रहा है फिर यहाँ हल्द्वानी में भाई। मज़ा आ रहा है विशु है क्या वीडियो एडिटिंग स्टार्ट अभी से अरे हाँ वो तो अपना खाना खाते टाइम अभी हम लोग खाना आ रहा बोलेंगे रिकॉर्ड करेंगे पहले खाना सुनो अरे दाल मखनी पनीर और ये सब बनाया बाकी भैया हल्द्वानी में काफी मजा आ रहे होंगे आपको अभी रात को ही आऊंगा ना मजे दिन में आएंगे तो इतना शूट कर रहा है रोटी के अंदर भी दिखा दे रोटी के अंदर क्या होता है ये देखिए सो गाइस फिलहाल हम सब लोगों का खाना पीना हो चुका है और पापा भी फिलहाल होटल से आ चुके हैं और अभी खाना खाने के बाद ना हमने आइसक्रीम तो खा ली है मतलब मैं आइसक्रीम जब खा रहा था ना तो कभी ये ब्लॉग करा मेरी तो भी बाकी है मेरी है देख सकते हो आइसक्रीम पानी हो पानी बचाओ आइसक्रीम नहीं है पानी हो और उसके बाद आप खाइए अलमड़ा की ये मिठाई ये आपने देखी होगी बाहर के लोग अपने उत्तराखंड के लोगों ने देखी होगी मैं कह रहा हूँ बाहर के लोग भी इसको देखिए आपने ये मिठाई नहीं देखी होगी कभी भी आप उत्तराखंड में आए तो अलमड़ा की बाल मिठाई के साथ में ये भी खाइए ये पत्तों पे ऐसे कहते क्या है ये बर्फी है वैसे अलमड़ा की जो बाल मिठाई आती है उसका अलग हट के सब्स्टिट्यूट है इसमें कलर नहीं मिला हुआ है ये ओरिजिनल खोए से बनी हुई है इसका स्वाद मैं अभी मैंने यूपी के आजू को दिखाया और विशु को दिखाया और अपने सचिन भाई को दिखाया राजस्थान से सचिन भाई को दिखाया और इनको खाते ही इनको ऐसा लगा कि कह गए हाँ ये है बर्फी तो फिलहाल हम लोग थोड़ी देर बातें करते हैं आराम से और इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा आप लोग की मतलब
देखो आप लोगों की बात मान के मैंने डेली व्लॉग वापस से स्टार्ट कर दिया, वरना बीच में मैंने डेली व्लॉग अपना छोड़ दिया था, एक दिन व्लॉग अपलोड करके फिर मतलब एक दिन का गैप करके अपलोड करा था ना, तो कोई नहीं अब डेली व्लॉग कर देंगे अपलोड, क्योंकि आप लोग के भी कमेंट्स आ रहे थे, बहुत लोग कह रहे थे कि यार डेली व्लॉग डालो डालो डालो, तो क्योंकि डेली व्लॉग मतलब कुछ लोग हैं ना जो मेरे डेली व्लॉग देखने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो उनके लिए ही मतलब मैं डाल रहा हूँ अपने डेली व्लॉग्स, तो कोई बात नहीं डेली व्लॉग्स आएंगे चैनल पर, सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।